أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير أحباب سي وقار یقیناً اس بات دے اندر کوئی شک نہیں کہ ایک مومن بندہ نیک اعمال کردا ہے، نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، جمعہ پڑھتا ہے، اللہ پاک اس مومن بندے تے راضی ہوندے نے اور خوش ہوندے نے، اور ایک بندہ اللہ دی ناراضگی والے اور اللہ تعالیٰ نو ناپسند اعمال کردا ہے تو یقیناً اللہ پاک وہدے تے خفا ہوندے نے، ناراض ہوندے نے، غضب ناک ہوندے نے۔ نیک اعمال اندر برکت ہی برکت ہے، رحمت ہی رحمت ہے، اور اللہ پاک دی رضا اور اللہ پاک دی محبت ہے، اور برے اعمال دے اندر، اعمال سیئہ دے اندر اللہ پاک دا غیظ و غضب ہے، اللہ پاک دی ناراضگی ہے۔ جس طرح میرا اللہ پاک رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، ودود بھی ہے، پیار بھی کرنے والا ہے، محبت بھی کرنے والا ہے، معاف بھی کرنے والا ہے، اسی طرح میرا اللہ پاک جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، ناراض بھی ہوندا ہے، غصے اندر بھی آندا ہے، جس طرح میرے اللہ دی شان دے لائق ہے۔ میرے پیارے بھائیو، نیکی دی توفیق اے اللہ پاک دی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس پر فتن دور دے اندر اگر اللہ پاک نے کسے بندے نو نیکی دی توفیق دے دیتی ہے نا، تو میں سمجھنا ہاں قرآن اور حدیث اس بات دی تائید کردے نے کہ او دنیا دا سب تو بڑا خوش نصیب انسان ہے۔ اور جیڑا بندہ نیکی اندر اگے نہیں ودھدا، نیکی ود چڑھ کے نہیں کرتا، نیکی دا شوق نہیں رکھدا، او دنیا اندر بھی ناکام ہے، او قبر اندر بھی ناکام ہے، او آخرت اندر بھی نامراد ہے۔ نیک عمل نے ساڈے نال جانا ہے، نیک عمل نے سانوں قبر دے عذاب کولوں بھی بچانا ہے، تے آخر دیاں سختیاں اور تابناک انجام کولوں بھی نیک اعمال نہیں سانوں بچانا ہے۔ نبی علیہ السلام و سلام آپ دے صحابہ دی دوڑ ایک کی دوڑ سی کہ میں نیکیاں تو کتے پیچھے نہ رہ جاؤں۔ اے جڑا میرے نال دا ساتھی ہے، اے نیک اعمال زیادہ کر رہے ہیں، میں تھوڑے کر رہا ہوں، تے میں کتے پیچھے نہ رہ جاواں۔ ساڈی دوڑ کی ہے کہ اے 30,000 کماندا ہے تے میں 50,000 کمان لگ پاں، اے 2 مرلے دی دکان اے دی تے میری 5 مرلے دی دکان ہو جائے، یہ 2.5 مرلے دا مکان ہے میری کنال دی کوٹھی ہو جائے۔ یعنی ترجیحات بدل گئیاں نے، سلیکشن جڑی ہے نا، سلیکشن وہ تبدیل ہو گئی ہے،
सहाबा की सिलेक्शन की सी, कबर अच्छी हो जाए, आखरत अच्छी हो जाए, नेक अमाल ज़्यादा तो ज़्यादा कर लीए। साड़ी दौड़ की है पैसा वध जाए, दौलत वध जाए, प्रॉपर्टी वध जाए, बैंक बैलेंस वध जाए। पैसा कमाना चाहिए, पैसा कमाना चाहिए, रिज़्क़े हलाल कमाना चाहिए, लेकिन पहले नंबर ते नेकी नू रखना चाहिए, पहले नंबर ते नेक अमाल नू रखना चाहिए, पहले नंबर ते माल ना आवे, पहले नंबर ते अल्लाह की रजा आवे, पहले नंबर ते नबी पाक की इताअत आवे। यानी जिंदगी का अगर नूर असी लेना चाहते हैं ना, अगर चाहते हैं कि अल्लाह पाक सानू जिंदगी की लज्जत अता करे, जिंदगी ना फिक्की फिक्की जी हो गई। अक्सर लोग कहते हैं कारी साहब मज़ा नहीं रहा उस जिंदगी का, दिल करता है बस मौत ही आ रही है तो फटाफट अल्लाह को चल जाइए, ऐ जान ही छुट्टे मुसीबतों तो, जान ही छुट जाए, ऐ दुनिया के जड़े जुंगल ने ना इन्हां विचों असी जड़े निकल आईए। मेरे प्यारे भाईओ, इन्हां विचों निकलन का एक ही राह है जिहड़ा कुरान ने दसिया है, जिहड़ा हदीस पाक ने दसिया है, वह नेक अमाल ने। अगर बुरे अमाल करांगे अल्लाह नाराज़ होएगा। मैं अज तुहाडे सामने पांच अमाल ऐसे रखने ने कुरान पाक चों और नबी पाक दे फरामीन चों चुन के अल्लाह की तौफीक ना तुहाडे वास्ते लैके आया कि पांच अमाल ऐसे ने। वैसे तो हर अमल दे नाल अल्लाह नाराज़ हुंदा है, हर बुरा अमल जिहड़ा है उहदे नाल अल्लाह नाराज़ हुंदा है, अल्लाह गुस्से अंदर आ जांदा है, अल्लाह का बंदे उत्ते गैज़ो गज़ब नाजिल होंदा है। लेकिन यह पांच अमल ऐसे ने, पांच गुनाह ऐसे ने कि जिन्हां दे बारे कन्फर्म अल्लाह दे नबी अली सलातुस्सलाम ने और अल्लाह पाक दे कुरान ने दसिया है, ऐ अमल करोगे अल्लाह नाराज़ हो जाएगा, अल्लाह पाक दा तुहाडे उत्ते अजाब आ जाएगा। अल्लाह पाक वेखो ना, एक इंसान यह जड़ियाँ शुरू के अंदर गल्लां होंदियां ना जुमे के शुरू अंदर, यह पूरे जुमे का खुलासा और पूरे जुमे का नचोड़ होंदा है, इनू गौर न सुनिया करो। वेखो ना, एक बंदा नेक अमल करता है, अल्लाह पाक उन्हें बरकत भी देता है, अल्लाह पाक उन्हें उरूज भी देता है, लेकिन एक बंदा ऐसा है कि वह बीमार सी ते तंदुरुस्त हो गया, मखरूज सी ते फरावानियां आ गई, ठीक है, अगों उन्हें गुनाह इस तरह के कर ले कि वह फिर मकरूज हो गया, वह बीमार सी तंदुरुस्त होया वह फिर बीमार हो गया, अल्लाह पाक ने उन्हें औलाद दी, अल्लाह पाक ने उसके कोलों फिर औलाद वापस ले ली। यानी फरावानियां आन तो बाद, खुशहालियां आन तो बाद इंसान किहड़े ऐसे गुनाह करे तो फिर जवाल आ जाता है, फिर तबाही आ जाती है। कहिंदे ने कारी साहब चंगा भला कारोबार चलता पिया सी, पता नहीं की हो गया, की होया, ओए आमाले बद करन लग पए आ, बुरे आमाल ते असी उतर आए हाँ, साडियां करतूतां साडा कारोबार भी तबाह कर रही ने, साडी जिंदगी का सुकून भी तबाह कर रही ने। आइए मैं एक दो तीन चार पाँच तरतीब दे नाल तुहाडे सामने आमाल बयान करना चाहना, और अल्लाह पाक ने कुरान पाक के अंदर बयान फरमाया है, जिवें अल्लाह फरमाते ने ना, मिसाल दे के अल्लाह ने फरमाया कि इलम वाला ते जिदे कोल इलम नहीं वह बराबर हो सकते, सारे बोलो बराबर हो सकते नहीं। ऐसे तरह अल्लाह ताला ने इत्थे फरमाया जिंदे उत्ते अल्लाह राजी है ते जिंदे उत्ते अल्लाह नाराज़ है वह बराबर हो सकते नहीं हो सकते। जिहड़ा बंदा नेक अमल करता है अल्लाह उहदे ते राजी है। इंशाल्लाह अगले जुमे मेरा दिल करता है मैं ओ चार पांच अमाल बयान करा कि जिंदे जरिए अल्लाह राजी हुंदा है, ते अज इंशाल्लाह बयान करन दा इरादा है कि ऐसे अमाल पता चल जान कि जिदे जरिए अल्लाह पाक नाराज़ हो जाता है। वेखो ना, साडा असी अगर जॉब करने हैं या असी कोई नौकरी करने हैं तो साड़ी कोशिश होंदी है मेरा बॉस है कंपनी का जिहड़ा सीईओ है डायरेक्टर मेरे ते नाराज़ ना हो जाए, मेरे ते खफा ना हो जाए, है मेरे तो मायूस ना हो जाए, मैनू कितने जॉब चो ना कढ दे। किन्ना जोर लाने हैं, किन्ना टिल लाने हैं कि अपने बॉस नू, अपने मालक नू, अपने नायक नू राजी करिए, खुश करिए,
किते वो मैनू नुकसान ना पहुँचा दे, मेरी सैलरी ना कट लवे, मेरी तनख्वाह ना रोक लवे। वो मेरे प्यारे भाईओ, जिस रब ने सानू पैदा किया, जिस रब ने सानू साह दिते ने, जिस रब ने सानू दीन इस्लाम दिता है, अल्लाह पाक नू राजी करन दी कोशिश असी नहीं कर रहे, बल्कि असी ऐसे अमाल ते उतर आए हाँ कि जिदे जरिए अल्लाह पाक साढ़े ते नाराज़ हो गए ने। आइए अल्लाह पाक ने कुरान पाक अंदर की फरमाया। अल्लाह फरमा रहे ने, ऐ मेरे महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जी, ऐलान फरमा दियो, आफा मन तबा रिजवान अल्लाही कमम बा बिसखतिम मिनल्लाह व मावाहुम जहन्नम व मावाहु जहन्नम व बिसल मसीर। क्या वो बंदा, तर्जमा अल्लाह पाक दे कुरान दा तर्जमा, क्या वो बंदा जिदे उत्ते अल्लाह पाक राजी हो चुके है, या वो बंदा जिदे उत्ते अल्लाह पाक नाराज हो चुके है। इन्हां दोवां दे अंदर किसी किस्म की बराबरी नहीं हो सकती, ये दोवें बराबर नहीं हो सकते। जिंदे उत्ते अल्लाह पाक नाराज हो चुके ने, वह दुनिया के अंदर भी तबाह बर्बाद हो जाएगा, वह आखरत दे रोज भी उहदा बुरा ते खतरनाक अंजाम अल्लाह पाक ने अपने कोल वास्ते तैयार करके रखे है। आओ लोगों, मैं पहला अमल बयान करना चाहना जिदी वजह तो मेरा अल्लाह नाराज हो जाता है, जिदी वजह तो मेरा अल्लाह गुस्से अंदर आ जाता है। रब दे कुरान ने बड़े प्यारे अंदाज दे नाल नक्शा खिंचे है। मेरे पाक पैगंबर इस्लाम ने अपनी जुबान मुबारक चो बड़े आसन अंदाज नाल समझाया है। रब्बुल आलमीन दे पैगंबर सलाम फरमाते ने, जेड़ा बंदा अपनी औकात भुल जांदा है, तवज्जो मेरे वल, जेड़ा बंदा अपनी औकात भुल जांदा है, जेड़ा बंदा अपना माजी भुल जांदा है, जेड़ा बंदा अपने गुजरे हुए वक्तां नूं भुल जांदा है, जेड़ा बंदा गरीबी नूं भुल जांदा है, जेड़ा बंदा अपनी बीमारी नूं भुल जांदा है, जेड़ा बंदा अपने कर्जियां नूं भुल जांदा है, जेड़ा बंदा अपनी तंग दस्ती नूं भुल जांदा है, अज अल्लाह पाक ने उन्हूं शिफा दे दित्ती है, अज अल्लाह पाक ने उन्हूं उरूज दे दिता है, अज अल्लाह पाक ने पहलों औलाद नहीं सी हुन अल्लाह ने औलाद दे दिती है, पहलों कारोबार नहीं सी हुन अल्लाह ने कारोबार दे दिता है, पहलों रैल पैल नहीं सी हुन अल्लाह पाक ने करम सवलियां कर दितियां ने। ले बंदा अपनी औकात भुल गया, अपना माजी भुल गया, अल्लाह पाक उस बंदे उत्ते नाराज हो जाते ने, अल्लाह पाक उहदे उत्ते गैज़ो गज़ब नाजल करते ने, अल्लाह पाक उहदे उत्ते तरह तरह दियां मुश्किलात नाजल करते ने। जरा बहार पैदा करो, इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दा फरमान सही मुस्लिम शरीफ अंदर मौजूद है। तवज्जो मेरे वल, बंदे नू अपनी औकात नहीं भुलनी चाहिदी, बंदे नू अपना माजी नहीं भुलना चाहिदा, बंदे नू अपने माड़े हालात नहीं भुलने चाहिए। इत्थे वेखो ना, कारोबार चल पे, औलाद मिल जाए, अल्लाह रैल पैल कर दे, बंदे दियां गर्दन च बरदे, बंदे दी गर्दन च सरिया आ जांदा है, ये तकब्बुर ते घमंड दे जुमले बोलन लग पैंदा है। ये कहिंदा मैं की समझना बरादरी नू, मैं की समझना ओदियां नू, ए यानी वड्डे वड्डे जुमले बोलना शुरू कर दिंदा है, लोगों नू दुदकारना शुरू कर दिंदा है, माड़े भरा नू दुदकारना शुरू कर दिंदा है, माड़ी भैन नू हकारत दी नज़र दे नाल देखदा है, माड़े रिश्तेदार नू पल्ले नहीं पांदा और दुर दुर करके पैंदा है और कुद कुद के पैंदा है। रब्बुल आलमीन दे पाक पैगंबर सलातुस्सलाम फरमांदे ने, सही मुस्लिम दी हदीस वाक, नबी अली सलातुस्सलाम फरमांदे ने, तीन बंदे, तीन बंदे, तवज्जो मेरे वल, एक बंदा जिन्हों फुलबैरी, फुलबैरी दी बीमारी है, यानी उहदे जिसम दे उत्ते चिट्टे रंग दे चटाक पै जांदे ने, दाग पै जांदे ने, उहदे जिसम तो मास उतरन लग पैंदा है, फुलबैरी दा मरीज़ है एक बंदा है। नबी पाक फरमांदे ने, अल्लाह पाक
पाक वालों फरिश्ता एक इंसानी शकल दे अंदर आंदा है, इंसानी शकल दे अंदर आके उन्हू कहिंदा है तेनू केड़ी ऐसी चीज चाहिए अगर तेनू मिल जाए ते तेरी जिंदगी ठीक हो जाएगी। ओ कहिंदा है कि मेरी फलबैरी दी बीमारी सही हो जाए ते मैं दुनिया कायनात दे अंदर इज्जत वाला बंदा बन जावांगा, मेरे जिस्म तो मास उतरदा ते मैनू कोई भी बंदा अपने नाल बिठाने वास्ते तैयार नहीं, मेरे नाल चलन वास्ते तैयार नहीं। अल्लाहु अकबर कबीरा। ओ फरिश्ता हाथ चुकदा अल्लाह पाक नू कहिंदा अल्लाह पाक जी इस बंदे नू शिफावां अता कर दियो, अल्लाह पाक उस फलबैरी दे मरीज नू शिफावां अता कर दिंदा है। दूसरा बंदा जिहड़ा सिर तो गंजा है, सही मुस्लिम दी हदीस सुना रहा, कोई किसे कहानियां नहीं, नबी पाक दा फरमान है। नबी आंदे ने दूसरा बंदा गंजा बंदा है, सिर तो गंजा है, ओदे कोल अल्लाह पाक ने अपना फरिश्ता कल्या इंसानी शक्ल दे अंदर। ओ फरिश्ता आके उस बंदे नू कहिंदा है तेरे दिल दी कोई ख्वाहिश होए, फरिश्ता ओंदे कोलो डिमांड करदा है कोई दिल दी तमन्ना होए आरजू होए, ते गंजा बंदा कहन लगा गंजे दी भी कोई जिंदगी है, सारी जिंदगी अपने सिर नू छुपांदा रहिंदा है, अपने गंजेपन नू छुपांदा रहिंदा है, मैनू वाल मिल जाण ते क्या बात है। ते फरिश्ता अल्लाह पाक दे कोलों दुआ करदा मेरे अल्लाह सोणिया इस बंदे नू वाल अता फरमा दे, अल्लाह पाक अपनी रहमत दे नाल उनू गंजे बन तो शिफा अता फरमा देंदे ने, उहदे सिर ते वाल आ जांदे ने, अल्लाह पाक ने चेहरे दा हुसन दे दिता है, अल्लाह पाक ने वाला दा हुसन अता कर दिता है। तीसरा बंदा अखां तो नबीना, तिना बंदियां दी मिसाल नबी पाक ने बयान कीती है, अखां तो नबीना अल्लाह पाक ने उहदे कोल भी फरिश्ते नू कल्या है, फरिश्ता आके कहिंदा है कोई दिल दी खाश होए कोई दिल दी तमन्ना होए, नबीना बंदा कहन लगा मेरी जिंदगी भी अंधेरे दी तरह हो गई है, मेरा दिन भी रात दी तरह हो गया है, अगर मैनू अल्लाह पाक अखां अता कर दे अखां दा नूर अता कर दे ते क्या ही बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ओ फरिश्ता अल्लाह पाक नू कहिंदा है अल्लाह सोणिया इहदियां अखां दा नूर वापस लुटा दे, अल्लाह पाक उहनू अखां दा नूर वापस लुटा देंदे ने। वक्त गुजरदा गया है, वक्त गुजरदा गया है, वक्त गुजरदा गया है, अल्लाह अकबर कबीरा। कई सालों तो बाद अल्लाह पाक ने उन्हां दा इम्तिहान लैण वास्ते उन्हां नू चेक करन वास्ते दोबारा फरिश्तियां नू इंसानी शक्ल दे अंदर कल्या है। अल्लाह अकबर कबीरा। एक फरिश्ता उस फरबैरी दे मरीज वाले बंदे कोल आंदा है, आके कहिंदा है कि मैनू मैं माड़ा बंदा मैनू कोई अल्लाह वास्ते कोई शह दे दे। अल्लाह अकबर कबीरा। ए फलबैरी दा मरीज वाला बंदा जिन्हों अल्लाह ने शिफा दिती सी कहिंदा जा जा मैं तेनू कुछ नहीं देना, ते फरिश्ता अगो कहिंदा अपना पुराना वक्त याद करना, तू फलबैरी दा मरीज है ते तेरे वास्ते मैं दुआ कीती सी, अल्लाह पाक ने तेनू शिफा अता कीती सी। ओ अगो आकड़ पिया अगो वड्डे जुमले बोलन लग पिया कहिंदा जा असी ते जद्दी पुश्ती सेहतमंद आ, असी ते जद्दी पुश्ती लैन लाडा, असी ते जद्दी मेरे प्यो दादे भी अमीर ते मैं भी अमीर, मैनू अल्लाह पाक ने इन्ना उरूज अता कीता। अल्लाह अकबर कबीरा। अपनी औकात भुल गया, अपना माजी भुल गया, अपने माड़े हालात भुल गया, अपनी बीमारी भुल गया, ते वड्डे वड्डे जुमले बोलन लग पिया। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह पाक ने उन्हू फिर दोबारा फलबैरी दी मरज दे अंदर मुबतला कर दिता है। अल्लाह अकबर कबीरा। ना मेरे वीर वड्डे वड्डे जुमले नहीं बोलने, तकब्बर वाले जुमले नहीं बोलने, ये नहीं कहना कि मैं बड़ा लैन लाड़ ते मेरी वजह तो मैं इत्थे पहुंचया, मेरे बाप दियां मेहनतां ने, मेरिया मेहनतां ने, मेरिया डिग्रियां दा कमाल है, मेरे पैसे दा कमाल है, मेरी जहानत दा कमाल है, मेरी जबान दे अल्फाज दा कमाल है। ना ना मेरे वीर। दूसरा बंदा जिन्हों अल्लाह पाक ने गंजेपन तो शिफा अता कीती है, फरिश्ता ओहदे कोल जांदा है ते कहिंदा मैं बड़ा माड़ा गरीब जिहा बंदा ते मेरे उत्ते कुछ खर्च कर दे, मैनू कुछ पैसों की जरूरत है। तो वह गंजा बंदा भी कह लगा जिन्हों अल्लाह पाक ने शिफावं दितियां सन, जिन्हों अल्लाह पाक ने रिजक दियां फरावानियां दे दितियां ने, रैल पैल कर दिती है, अल्लाह पाक ने माल ही माल अता कर दिता है, तो कहिंदा किहड़े पैसे किहड़ा गंजापन, अपना माजी भुल गया है, अपना माड़ा वक्त भुल गया है। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह पाक ने उन्हू दोबारा गंजेपन के अंदर मुबतला कर दिता है। अल्लाह सारिया नेमतों को
ਕੋਲੋਂ ਖੁੱਸ ਗਈਆਂ। ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਬੰਦਾ ਐਸੇ ਹੀ ਮੁਸਲਿਮ ਦੀ ਹਦੀਸ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਬੀਨਾ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਨੂਰ ਅਤਾ ਕੀਤਾ। ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਦੇ ਦੇ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਦੇ ਦੇ। ਅਤੇ ਨਬੀਨਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਲੈ ਜਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦੀ ਦੇਣ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਅਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਬੀਨਾ ਸਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਨੂਰ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਸ਼ਿਫਾਵਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਲੈ ਜਾ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਔਰ ਫਰਾਵਾਨੀਆਂ ਅਤਾ ਫਰਮਾ। ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਹੈ ਇਨਸਾਨੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਅਜ਼ਮਾਇਆ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਪਰਖਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਾ ਗੈਜ਼ੋ ਗਜ਼ਬ ਨਾਜ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮਾਜ਼ੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਤਕੱਬਰਾਨਾ ਜੁਮਲੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਦੁਦਕਾਰਨ ਵਾਲੇ ਜੁਮਲੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਮਾੜਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਹੱਕਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਕੋ ਦੁਆ ਕਰਨਾ, ਆਮੀਨ ਕਹਿਣਾ, ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਜ਼ੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇਰੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਆਇਆ, ਅਫਮਨਿ ਤਬਅ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਅੱਲਾ ਕਮਮ ਬਾ ਬਿਸਖਤਿਮ ਮਿਨ ਅੱਲਾ। ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਰਾਜ਼ੀ ਏ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਨਾਰਾਜ਼ ਏ, ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਆਈਏ ਲੋਕੋ, ਮੈਂ ਦੂਸਰਾ ਅਮਲ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਅਮਲ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ, ਮਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ, ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਇਬਨ ਔਫ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੋ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਸਤਰਖਾਨ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਿਨਫਾ ਸਿਨਫ ਦੀਆਂ ਨੇਮਤਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੋ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਨੇਮਤਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਚੇ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਂਸੂ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਡੁੱਲ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਲੜੀ ਬਣ ਬਣ ਕੇ, ਮੋਤੀ ਬਣ ਬਣ ਕੇ ਆਂਸੂ ਗਿਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਇਬਨ ਔਫ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੋ, ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਸਿਹਾਬੀ, ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਤਾਜਰ ਸਿਹਾਬੀ, ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਅਰਬਾਂ ਪਤੀ, ਕਰੋੜਾਂ ਪਤੀ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੋ ਸਲਾਮ ਦੇ ਸਿਹਾਬੀ, ਜਦੋਂ ਨੇਮਤਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਡੁੱਲ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਜ਼ੀ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਜ਼ੀ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੱਕੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਖਜੂਰ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਖਜੂਰ ਚੂਸ ਚੂਸ ਕੇ ਆਪਣੇ 24 ਘੰਟੇ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖੱਲ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਊਂਟ ਦੀ ਖੱਲ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਚਮੜੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚਮੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗੋ ਕੇ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੂਸ ਚੂਸ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ। ਸ਼ੇਬੇ ਅਬੀ ਤਾਲਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਖਜੂਰਾਂ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਪੱਤੇ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਸਿਹਾਬਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੱਤੇ ਖਾਂਦੇ ਸਾਂ, ਉਦੋਂ ਪਖਾਨਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਅੱਜ ਉਰੂਜ ਅਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਨਾਂ ਅਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਅੱਜ ਨੇਮਤਾਂ ਹੀ ਨੇਮਤਾਂ ਅਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵਕਤ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਸਿਹਾਬਾ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਚੰਗੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਚਾਦਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਕਦਮ ਛੁਪਾਇਆ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਸਿਰ ਨੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਰ ਛੁਪਾਇਆ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਕਦਮ ਨੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਚੰਗੇ ਸਨ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਹੱਜਦ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਨ। ਇਹ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਇਬਨ ਔਫ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੋ ਨੇ। ਜ਼ਰਾ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰੋ, ਇਮਾਮ ਅਲ ਅੰਬੀਆ ਜਨਾਬ ਏ ਮੁਹੰਮਦ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा अपने माजी नू याद रखिया कर दे। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हो दे बारे मैं पढ़िया है, हदीस पाक पढ़ांदिया मेरे अबू हुरैरा दियां अखां च आंसू आ गए ने। शगिरदां ने पुछिया उस्ताद जी क्यों रोन लग पे हो? हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हो फरमान लगे, मैनू अपना माजी याद आ गया है, मैनू अपना पुराना वकत याद आ गया है, मैनू अपना गुजरिया होया वकत याद आ गया है। मैं एक अमीर औरत दा गुलाम हुंदा सी, ते जिहड़ी ओखा जिहड़ा ओ खाना तनावल करिया कर दी, जिहड़ा खाना ओ खाया कर दी, ओदे विचों बचिया होया खाना मैं खाया करदा, बचे हुए टुकड़े मैं खा के गुजारा करिया करदा। इन्नी शिद्दत दी भुख कबाज़ दफा लग जाया कर दी कि मदीने दियां गलियां दे अंदर मैं करवटां लिया करदा, मदीने दियां गलियां दे अंदर मैं सलवटां लै लै के, ते लोग अपने पैरां दे अंदर मैनू रोंद के चले जांदे। अज अल्लाह पाक ने दीन दी बरकत नाल इन्ना उरूज अता कीता है, अज मैं अपना नक भी साफ करना ते रेशमी रुमाल दे नाल साफ करना। अल्लाह पाक ने फरावानियां भी दे दित्तियां ने, अल्लाह पाक ने हदीस दा खादिम भी बना दिता है, अल्लाह पाक ने लखूक हा शगिर्द पैदा कर दिते ने। मेरे वीर सहाबा इकराम अपना माजी नहीं भुले, नबी पाक अपना माजी नहीं भुले, इंसान नू अपना माजी नहीं भुलना चाहिदा। जेड़ा अपना माजी भुल गया ना, ओदे उत्ते अल्लाह पाक नाराज हो जांदा जे, ओदे उत्ते अल्लाह पाक दा गैज़ो गज़ब नाज़िल हुंदा जे। अपने माड़े हालात नहीं भुलने ते माड़े भरावां नू दुकारना नहीं। मैं अल्लाह को दुआ करना, आमीन कहना, अल्लाह सोणिया जेड़े हालात अल्लो माड़े ने परेशान ने, अल्लाह उन्हां दे हालात बेहतर फरमा दे। नबी पाक अलैहि सलातो वसलाम ने दूसरा फरमान बयान फरमाया, आओ फैसला बादियो, मैं अमाल बयान कर रहा हूँ जिंदी वजह तो मेरा रब नाराज हो जाता है। पहला अमल बयान कर चुके हैं, दूसरा अमल नबी पाक अलैहि सलाम फरमाते हैं, जेड़ा बंदा जालिम की मदद करता है, जालिम की मदद करता, पता भी ये है जालिम है, पता भी ये इन्हें कतल किया है, पता भी ये इन्हें चोरी की थी है, पता भी ये इन्हें डकैती की थी है, पता भी ये इन्हें जना किया है, पता भी ये कसूर एदा ही है, लेकिन फिर भी अदालतां दे अंदर जाके उहदे नाल खड़ा हो जांदा है, फिर भी वकीलां दे नाल रल के झूठियां गवाहियां देंदा है। जालिम दी मदद जिहड़ा बंदा करदा है, भावें पुत्तर है, भावें सका भतीजा है, भावें सका भनेवें, भावें सका चाचा है, भावें सका मामा है, नबी पाक फरमांदे ने अगर जालिम है ते जालिम दे नाल अगर खड़ा हो गया है, जालिम वल्लों खड़ा हो के झूठियां गवाहियां देंदा फिरदा, झूठियां अदालतां दे अंदर झूठे कुरान चुकदा फिरदा, हाए मेरे अल्लाह कुरान सिर ते रख के झूठियां कसमां चुक गया, नबी पाक फरमांदे ने अल्लाह पाक ओहदे उत्ते नाराज हो जांदे ने, अल्लाह पाक ओहदे उत्ते अपना खैज़ो गज़ब नाज़िल करदे ने। ना मेरे वीर जालम भी मदद नहीं करनी, मजलूम दी बददुआ नहीं लैनी। जरा मुंह मीठा करो, इमाम अंबिया जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, तीन तरह के लोग ऐसे ने, तवज्जो मेरे वाल, तीन तरह के लोग ऐसे ने मेरे नबी पाक फरमाते ने, जिन्हां दी दुआ ते बददुआ अल्लाह रद्द नहीं करदा, अल्लाह रद्द नहीं करदा। पहला नबी पाक फरमाते ने, वालद वालदा की दुआ और बददुआ अल्लाह पाक रद्द नहीं करदा, मुसाफिर की दुआ ते बददुआ अल्लाह रद्द नहीं करदा। तीसरे नंबर ते नबी पाक फरमाते ने, दावतुल मजलूम व दावतुल मजलूम, मजलूम दी बद्दुआ अल्लाह पाक रद्द नहीं जे करदा, डायरेक्ट अल्लाह पाक दे अरश ते पहुँच जाती है, रब फौरी उन्हों कबूल कर लेंदा है। मजलूम दी आह कोलों बचिया कर, मजलूम दी खामोश बद्दुआ कोलों बचिया कर, जालम दा साथ नहीं देना, अल्लाह पाक दा गुस्सा आ जाएगा, अल्लाह पाक तेरे उत्ते नाराज हो जा। कहना कारी साहब कारोबार नहीं चलता है, कहना कारी साहब सत्यानाश ही हो गया कारोबार का, कारी साहब जिंदगी चो सुकून ही मुक गया, कारी साहब जिंदगी ना बेचैनी बड़ी है, बेसकूनी बड़ी है, अजीब किस्म दियां टेंशन ने, एक मुकदी नहीं दूजी ने सिर चुकया है। और गौर करो जिंदगी दे अंदर कदी किते जालम दा साथ ते नहीं दे दिता, अल्लाह पाक दा गुस्सा उहदे उस बंदे उत्ते नाज़िल हो जांदा है, अल्लाह पाक उहदे उत्ते नाराज हो जांदा है जिहड़ा बंदा जालम दे
नाल खड़ा होके मजलूम दे उत्ते जुल्म करदा है, झूठिया गवाइया झूठिया कसमां झूठे कुरान चुक जांदा है। ना मेरे प्यारे भाइयो, ऐ उस बंदे दी कोई तजद कबूल नहीं जे, उस बंदे दा कोई जुमा कबूल नहीं जे, उस बंदे दी कोई नमाज कबूल नहीं जे, भावें दाढ़ी रखी है, भावें दे तस्बी ते तस्बी करदा है। जिहड़ा बंदा जालिम दी मदद करदा है, नबी पाक फरमांदे ने ऐसे बंदे उत्ते रब राजी नहीं जे, ऐसे बंदे उत्ते रब दा गैज़ो गज़ब नाजिल हुंदा है। मैं अल्लाह को दुआ करना, आमीन कहना, अल्लाह सोहणिया सानू मजलूम दी मदद करन दी तौफीक अता फरमा दे। ए काम बड़ा मुश्किल है, लेकिन अल्लाह पाक दी तौफीक नाल ही अल्लाह पाक किसे नू तौफीक दे दे। आइए लोगों, मैं दूसरा अमल बयान कर चुके हाँ, मैं तीसरा अमल बयान करना चाहना। अल्लाह पाक जिदी वजह तो नाराज हो जाते हैं, जिदी वजह तो अल्लाह पाक नू गुस्सा आ जाता है, अल्लाह अकबर कबीरा। तीसरा अमल नबी पाक अली सलातू सलाम ने बयान फरमाया, पाक पैगम्बर अली सलातू सलाम फरमाते ने, मल्लम यदा मल्लम يدعو الله غضب عليه من لم يدعو الله غضب عليه। जिहड़ा बंदा अल्लाह पाक दे कोलों दुआ नहीं करदा, मेरा अल्लाह ओदे ते नाराज हो जांदा है। जिहड़ा बंदा अल्लाह पाक नूं नहीं पुकारदा, जिहड़ा बंदा अल्लाह पाक दे सामने गिड़िया जारी नहीं करदा, मेरा अल्लाह पाक ओदे ते नाराज हो जांदा है। अल्लाह ऐ दुनियादारां दे कोलों दो वारी पैसे मल्ले मंग लईए ना, दो वारी ते दरवाजा बंद कर लेंदे ने, फोन बंद कर लेंदे ने, और मेरा रब कहिंदा तू मेरे को नहीं ना मंगेगा ते मैं तेरे ते नाराज हो जाना ही। अल्लाह अकबर कबीर। ऐ वेखो किड्डी वड्डी हदीस पा के, किन्नी सुथरी हदीस पा के, नबी पाक दा हर फरमान ही बड़ा प्यारा है, नबी पाक दा हर बोल ही बड़ा उच्चा है, मेरे पैगंबर दी जुबान पाक चो निकलने वाला एक एक हर्फ बड़ा पकीज़ा है। नबी पाक फरमांदे ने, अल्लाह पाक फरमांदे ने, जिहड़ा बंदा मेरे कोलों दुआ नहीं करदा, मेरे कोलों इल्तजा नहीं करदा, मेरे सामने खेड़े नहीं पैंदा, लीला लैके तरले लै लैके मेरे कोलों नहीं मंगदा, अल्लाह पाक फरमांदे ने मैं ओदे ते नाराज हो जाना, ओदे उत्ते मेरा गैज़ो गज़ब नाज़िल हुंदा है। ओए लोकां नाल बड़ियां गल्लां करना, अल्लाह नाल गल्लां करिया कर, ओए लोकां नाल बड़े बड़े मशवरे करना, रब नाल भी मशवरे करके वेख, हां पर रब तेरियां सिद्धियां पाएगा, रब सत्ते खैरां करेगा, बड़े बड़े मशवरे ते बड़ियां बड़ियां कालां ते बड़ियां बड़ियां मीटिंगां करनियां चाहीदियां ने, लेकिन इहदे नाल नाल रब नाल गल्लां करिया कर, रब दे नाल मशवरे करिया कर, अपना दुखड़ा अपने रब नूं सुना। ओए ऐ चुगलियां करन दा वक्त नहीं जे, ऐ दुश्मनियां पालन दा वक्त नहीं जे, ऐ गुस्से पालन दा वक्त नहीं जे, ऐ रब सामने कुंडी ला के वजू बना के मसला विछा के दो रकतां पढ़ के रब नाल गुड़ियां गल्लां करन दा टाइम जे, रब नाल अपने दुखड़े सुनाया कर, ऐ दुखां दियां पंडा रब सामने खोलिया कर, ऐ गमां दियां पंडा रब सामने खोलिया कर, ते रब नूं कह अल्लाह सोहणिया तेरे नबी पाक ने फरमाया है, तेरे को ना मंगिए ते तू नाराज हो जाना है, मैं तेरे को मंगने आ, मैं गुनाहगार हाँ, मैं सियाकार हाँ, मैं खताकार हाँ, मैं तेरा मुजरम, मैं तेरा कैदी, तेरे सामने खलोता, मैनू अपनी रहमत दे नाल माफ कर दे, मेरी जिंदगी दा ऐ मसला हल कर दे, मेरे पुत्रा दा मसला हल कर दे, मेरी धी दा ऐ मसला हल कर दे, मेरे कारोबार दा ऐ मसला हल कर दे, मेरी ऐ मर्ज मैनू चिमड़ गई, अपनी रहमत ना मैनू शिफावां अता कर दे। जरा बहार पैदा करो इमाम अंबिया जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। पाक पैगंबर ने कितना प्यारा फरमान बयान फरमाया है, जिहड़ा अल्लाह नूं नहीं पुकारदा खैरुल्लाह नूं पुकारदा है, और दरबारां ते जाके जिहड़ा बंदा पुकारदा रब उहदे नाल नाराज जे, और जिहड़ा मजारां ते जाके खैरुल्लाह कोलों दुआवां करदा रब उहदे नाल नाराज जे। मेरी गल दा गुस्सा ना करियो, मैं अपनी गल नहीं जे कर रहा, मैं मक्की मदनी सरकार पाक की गल कर रहा, मुर्शद आजम नबी पाक का फरमान सुना रहा, जिहड़ा नबी पाक दे फरमान दे मुताबिक गैरुल्ला दी पूजा करदा है, गैरुल्ला कोलो दुआवां करदा है, दरबारां ते जाके कहिंदा है मैनू औलाद मिल जाए, दरबारां ते जाके कहिंदा है मैनू कारोबार मिल जाए। ऐ मैं एक महीना पहले दा वाकया है, मैं ना एक बंदे को सफर कर रहा रस्ते दे अंदर, एक बंदा मैनू कहिंदा है कारी साहब
मैं ना पिछले महीने ना दरबार से जाके देख नहीं दी तो मेरा फला जगह ना एक्सीडेंट हो गया अस्तगफिरुल्लाह नऊज़ु बिल्लाह। यार वेखो इस तो वड्डा गंदा अकीदा की हो सकता है, इस तो वड्डा गंदा अकीदा मैनू दसो किहड़ा सकदा है। अल्लाह दे बंदेओ नबी पाक दी सही हदीस पा के अल्लाह फरमाते ने मैनू नहीं ना पुकारेगा, मैं तेरे ते नाराज़ हो जाऊँगा। जे मैनू छड़ के तू गैरां ते जाएगा ना, कोई छले पाई फिरदा, कोई कड़े पाई फिरदा, कोई तवीज़ पाई फिरदा, ओए ना मेरे प्यारे भाइयो, तुहाडे मसलियां दा हल सिर्फ अल्लाह पाक दे सामने होना है ते अल्लाह पाक ने तुहाडे मसले हल करने ने। जिहड़ा बंदा रब कोलों दुआ नहीं करदा अल्लाह पाक फरमा रहे मैं उहदे नाल नाराज़ जे। वेखो इस तो वड्डी हदीस की हो सकती है, इस तो वाज़े हदीस पाक की हो सकती है। दो टोक अल्फाज के अंदर नबी पाक ने फरमाया है, दो टोक अल्फाज के अंदर अल्लाह पाक ने फरमाया है। इहदे अंदर कोई अलजबरा नहीं, कोई फीसागोरस नहीं, कोई फिजिक्स का कोई कुलिया नहीं। नबी पाक फरमाते ने अल्लाह नू नहीं पुकारेगा तो रब तेरे ते नाराज हो जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा, नबी अली सलाम फरमाते ने हमेशा दुआ करनी अल्लाह पाक दे कोलों, हमेशा मदद मंगनी है अल्लाह पाक दे कोलों। या इली मदद दे नारे ना लाया कर, या रसूल अल्लाह मदद दे नारे ना लगाया कर, या हुसैन मदद दे नारे ना लगाया कर। मेरे हुसैन ने भी अल्लाह पाक दे कोलों दुआ की थी है, मेरे अली ने भी अल्लाह पाक दे कोलों दुआ की थी है, मेरे नबी पाक ने भी अल्लाह पाक दे कोलों दुआ की थी है। हर नबी वली ने अल्लाह पाक दे कोलों मदद मंगी है। पूरे कुराने पाक का मुताला करके वेख लो, कुराने पाक की एक एक सूरत दे अंदर अल्लाह पाक बयान करते हैं। हजरत आदम अली सलाम तो लैके हजरत नबी पाक अली सलातु सलाम तक हर नबी ने, हर सहाबी ने, हर वली ने, हर आले रसूल दे हर शख्स ने अल्लाह पाक दे कोलों मदद मंगी है, अल्लाह पाक दे कोलों दुआ की थी है, अल्लाह पाक दे सामने गिड़िया जारी की थी है। अल्लाह अकबर कबीरा। जरा मुंह मीठा करो, इमामुल अंबिया जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया। आइए लोगों, मैं चौथा अमल बयान करना चाहना। नबी पाक फरमाते ने इन्नल्लाह ला युबगिज़ुल फाहिशल बज़ी। नबी पाक फरमाते ने जेड़ा बंदा गंदे मजाक करता है, गंदियां गुफ्तगुवां करता है, गंदे जुमले जबान चो कढ़दा है, अल्लाह पाक उस बंदे नाल नाराज़ हो जाते ने। अल्लाह पाक दा उहदे उत्ते गैज़ो गज़ब नाज़िल हुंदा है। अपनियां निजी महफलां दे अंदर बैठ के देख लो, खुशियां ते या गमियां ते ए ऐसे ऐसे गंदे मजाक करते ने, ऐसे ऐसे जू माना गुफ्तगू करते ने, डबल मीनिंग जुमले बोले जा रहे ने। ना मेरे प्यारे भाईओ, अल्लाह उस बंदे नाल नफरत करता है और उत्ते नाराज हो जाता है जेड़ा बंदा गंदे मजाक करता है, गंदे लतीफे सुनांदा है, गंदे चुटकले सुनांदा है। अस्तगफिरुल्लाह नऊज़ु बिल्लाह। ओए इस तो वड्डी लानत की हो सकती है कि अल्लाह पाक नाराज हो जाए? ओए इस तो वड्डी फटकार की हो सकती है कि मेरा अल्लाह मेरे ते नाराज हो जाए? ना मेरे प्यारे भाइयो, ऐ घाटे दा सौदा जे, ऐ तबाही वाला सौदा जे, ऐ बर्बादी वाला सौदा जे। अपनी जिंदगी चो गंदे जुमले कढ़ दे, अपनी जिंदगी चो गंदे मजाक कढ़ दे। किसी के रंग का मजाक उड़ाना, किसी के कद का मजाक उड़ाना है, किसी नू किसी तरह का मजाक करना है। लोगों ने तो फरिश्तियां नू भी नहीं छड़िया, फरिश्तियां का मजाक उड़ाया जा रहा है। यह जन्नत जहन्नम का मजाक उड़ाया जा रहा है, आसमाना का मजाक उड़ाया जा रहा है, जमीन का मजाक उड़ाया जा रहा है। नऊज़ु बिल्लाह। अल्लाह पाक दे शियार, अल्लाह पाक दे शियार, दीन इस्लाम दे शियार का मजाक उड़ाया जा रहा है, नमाज का मजाक उड़ाया जा रहा है, पर्दे का मजाक उड़ाया जा रहा है, दाढ़ी मुबारक का मजाक उड़ाया जा रहा है, मेरे पैगंबर की सुन्नत का मजाक उड़ाया जा रहा है। लोगों नू पता ही नहीं हैगा इस मजाक मजाक के अंदर लोगों के पल्ले रत्ती ईमान बाकी नहीं रहिंदा। मजाक मजाक के अंदर ईमान तबाह हो जाता है, मजाक मजाक के अंदर ईमान का बेड़ा गर्क हो जाता है। ना मेरे प्यारे भाइयो, अपनी जिंदगी अंदर फोहश गोई नू खत्म कर दियो, अपनी जिंदगी के अंदर बद कलामी नू खत्म कर दियो। तेरा पुत्र गंदे मजाक करता है, उन्हें समझा बेटा अल्लाह तेरे ते नाराज है, अल्लाह तेरे ते नाराज है। क्यों? नबी पाक अली सलातु सलाम ने फरमाया जेड़ा बंदा गंदे मजाक करता है, गंदे लतीफे सुनांदा है, गंदे जुमले सुना
ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਜਿਹਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਗੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਫੜਿਆ, 38 ਲੱਖ ਲਗਾਏ ਨੇ, 38 ਲੱਖ ਲਗਾਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕਵਾੜਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਰਾ ਬਾਹਰ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਇਮਾਮੁਲ ਅੰਬੀਆ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਾਲੀ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਪੰਜਵਾਂ ਤੇ ਆਖਰੀ ਅਮਲ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਖਤਮ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨਾ ਮੁਤਕਬਰਾਨਾ ਜੁਮਲਾ ਬੋਲਿਆ, ਇੰਨਾ ਨਸ਼ੁਕਰੀ ਵਾਲਾ ਜੁਮਲਾ ਬੋਲਿਆ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉਸ ਜੁਮਲੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਿਰਕੀਆ ਜੁਮਲਾ ਬੋਲਿਆ, ਉਸ ਜੁਮਲੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜੁਮਲੇ ਦਾ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਏ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜੁਮਲੇ ਦਾ ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਏ, ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਕਿਸ ਕਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਏ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜੁਮਲੇ ਦਾ ਤੇਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਏ। ਐ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਜੁਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਈਏ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਨਿਮਤ ਏ। ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਤੇ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਨਾ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਕਾਰੀ ਮਹਫੂਜ਼ ਏ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਖਤੀਬ ਮਹਫੂਜ਼ ਏ, ਨਾ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਮਹਫੂਜ਼ ਏ, ਨਾ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਖਾਦਿਮ ਮਹਫੂਜ਼ ਏ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਮਹਫੂਜ਼ ਨੇ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈ ਮਹਫੂਜ਼ ਨੇ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਹਮਸਾਏ ਮਹਫੂਜ਼ ਨੇ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਹਫੂਜ਼ ਨੇ। ਓਏ ਅੱਲਾ ਦੇ ਉਹ ਬੰਦਿਓ, ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਅੱਲਾ ਨੇ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਕਵਾਸਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੋਹਮਤਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਏ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤਲਾਕਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਤਲਾਕਾਂ ਤੱਕ ਮਾਮਲੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਐਸੇ ਐਸੇ ਗੰਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਲਾਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅੰਦਰ ਐਸੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਫਰਮਾਏ, ਅਸਤਗਫਿਰੁੱਲਾ, ਨਾਊਜ਼ ਬਿੱਲਾ। ਚਲੋ ਯਾਰ, ਅਗਰ ਜ਼ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਚਲੋ ਦੋ ਖਾਨਦਾਨ ਅਗਰ ਅਲੱਗ ਹੋ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਛੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਓ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਤੋਹਮਤਾਂ ਅਤੇ ਤਾਨੇ ਅਤੇ ਬਲੇਮ ਅਤੇ ਨਾਊਜ਼ ਬਿੱਲਾ। ਆਪ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇਕ ਅਮਲ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਨੇਕੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਯਾਰ, ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਨੇਕੀਆਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਚੁਗਲੀਆਂ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਤਾਨੇ ਵੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਨੂੰ ਘੁਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਉਹ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁਮਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੜੀ ਨੌਸਤ ਏ, ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਜੁਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੜੀ ਬੇਬਰਕਤੀ ਏ, ਬੜੀ ਤਬਾਹੀ ਏ। ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਅਵਾਰਗੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਦਾੜੀ ਰੱਖੀ ਏ, 5 ਵਕਤ ਦਾ ਨਮਾਜ਼ੀ ਏ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਇੰਨੀ ਗੰਦੀ ਗਾਲ ਕੱਢਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰਦਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਏ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਪਰਦਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਏ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਜ਼ਬਾਨ ਚੱਲਦੀ ਏ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਹਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈਓ, ਮੇਰੀ ਉਹ ਮਾਓ ਬੇਟੀਓ ਬਹਿਨੋ, ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬੜਾ ਹਸਾਸ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਬੋਲਿਆ, ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਜੁਮਲੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਇਤਨਾ ਖਤਰਨਾਕ, ਇਤਨਾ ਨਸ਼ੁਕਰੀ ਵਾਲਾ, ਇਤਨਾ ਮੁਸ਼ਰਿਕਾਨਾ ਸ਼ਿਰਕ ਵਾਲਾ ਇਹਨੇ ਜੁਮਲਾ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਅੱਲਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਕੋ ਦੁਆ ਕਰਨਾ, ਆਮੀਨ ਕਹਿਣਾ। ਅੱਲਾ ਸੁਣਿਆ ਐੜੇ 5 ਅਮਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਅਮਾਲ ਕੋਲੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾ। ਔਰ ਅੱਲਾ ਸੁਣਿਆ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾ। ਹਜ਼ਾ ਮਕਾਨ ਆਇੰਦੀ ਵੱਲਾਹੁ ਅਲਮ ਬਿਸਵਾਬ।